कर सभी लोगों को और ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए दोस्तों, आप लोग कैसे हो, स्वस्थ और मस्त जरूर होंगे दोस्तों। तो मैं दिलीप अपने यादव दिलीप ब्लॉग में सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैंने पहले आते हुए सारा काम किया, सैंपल लगाया है, इधर मेरा सैंपल चल रहा है, इधर मैं सैंपल लगा दिया हूँ, क्योंकि इधर सैंपल लगा दिया इसलिए कि आते ही सैंपल लगा देंगे तो जो आगे बनना होगा वो बनेगा। तो उसके बाद मैंने हमारे तो इधर सारी मशीनें चल रही हैं, इधर भी मशीन चल रही है, इधर भी मशीन, देखिए इधर भी जाएगा, इधर भी मशीन चल रही है और हमारी ये जो सैंपल वाली मशीन है ये भी चल रही है। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं थोड़ा सा, हम इधर कंप्रेसर चला लेंगे, कंप्रेसर चला के इसके बाद हवा मार के मशीनों के ऊपर, ये देखिए यहाँ पर वो ये है ना, यहाँ पर थोड़ी सी डस्ट है यहाँ पर, तो इधर डस्ट दिख रही है, ऊपर धागा धुगा दिख रहा है, इसको साफ करके इसके बाद हम दूसरा काम करेंगे। फिलहाल तो चलते हैं पहले शुगर वाले हाल में और चलाते हैं हम जाके क्या बोलते हैं उसको, कंप्रेसर आ। चलिए चलते हैं इधर आके चलाते हैं हम उसको कंप्रेसर को। कंप्रेसर में तो फिलहाल हवा थोड़ी सी है, उसको चला लेते हैं और ख़त्म हो गया, इधर आके धागा बचेंगे, कल अगले अगले हफ्ते आएंगे, इधर धागा भी दोबारा से रखा जाएगा, धागा आएगा भी इधर, तो हमने क्या किया है कि चला दिया इसको, अब थोड़ा सा मशीन जो कुछ वो आगे इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे अपने लोग। इसके पहले जब तक हवा भरेगी तब तक हम मशीन के पास जाते हैं, वहाँ देखते हैं क्या हो रहा है क्या। चलिए दोस्तों, हम आप लोगों को एक नई चीज़ बता देते हैं और आप लोग देखिए हमारे इस ब्लॉग में, जैसे कि हमने क्या करना है, क्या करते हैं, पेन ड्राइव पे जाते हैं, पेन ड्राइव पे जाने के बाद हम पैड इनपुट पर ओके कर देते हैं, ओके करने के बाद हमारा वही 924 इसके हम वीडियो बनाए थे, 924 है, इसको ओके करेंगे तो यहाँ पर हमारी सारी खुल जाएगी। तो हमें बैक लगानी है तो हमने क्या करना, बैक पर जाके यहाँ से प्रेस कर देना है, तो यहाँ पर ये डिज़ाइन लोड हो जाएगी। अब लोड होने के बाद इसमें अब कुछ नहीं करना है, अब हमें करना क्या है कि फिटर देखना है और इसके बाद नेडल पोजीशन देखना है और क्वालिटी नंबर देखना है, देखना वही सारा प्रोसेस है, लेकिन ये बहुत जल्दी हो जाएगा, मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। अब हमें करना ये है कि हमने यहाँ पर तो लगा लिया, इसके बाद हमने फटाफट क्या करना है कि जाना है यहाँ, अब इस फाइल में, मशीन वाली फाइल में, ये नहीं कि हम एक बार इसमें डाल दिए तो ये इसमें आ जाता है, नहीं, इससे हम इस पेन ड्राइव से, जैसे पेन ड्राइव पहले लगाएंगे तो इसको दबाएंगे तो ये ऑप्शन इसका खुलेगा, इसमें से हम इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसमें से हम रनिंग पर लगाने के लिए, एक्टिव मोड पे लगाने के लिए हमने यहाँ फाइल पे जाना है, फाइल पे जाने के बाद हम इसको प्रेस कर देंगे। अब हमारे डिज़ाइन कहाँ है कहाँ नहीं है यहाँ से हमसे मतलब नहीं है। अब हमने यहाँ ये प्रेस कर दिया, इसके बाद हमने ये जो F3 दिख रहा है इसको दो बार दबा देंगे, सबसे पहले ऊपर आ जाएगा, जो सबसे लास्ट में डिज़ाइन डालेंगे वो सबसे पहले ऊपर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर कर दिए तो सबसे पहले ऊपर आ गया। तो हमने करना क्या है कि इसको यहाँ प्रेस करेंगे, इसको एंटर करेंगे, इंटर करेंगे तो यहाँ ये लोडिंग लेके अपने आप 100% हो जाएगा। जब 100% हो जाएगा तो ये समझिए इस रनिंग बेस पे लग गया, यानी कि रनिंग टू कंटिन्यू हो गया है। तो अब यहाँ पर आने के बाद अब ये चलने को तैयार है, देखिए जो फाइल यहाँ लग गई समझ लीजिए वही मशीन चलाएगी। तो अब हम यहाँ पर आ गए, अब यहाँ से देखते हैं यहाँ हमारा सारा 180, लेकिन हमें प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी करना है इसलिए कि हमारा एक इससे पहले एक ग्राफ बन चुका है, तो बस हमने कॉपी पेस्ट जैसे करते हैं उसी तरह हम यहाँ पर पैरा कॉपी बोलते हैं। तो बस हमने करना क्या है कि सबसे पहले हम यहाँ पर आ गए तो सबसे पहले हम यहाँ जाते हैं फाइल में, फाइल में जाने के बाद 5 नंबर पर आएंगे वर्क पैरा कॉपी, वर्क पैरा कॉपी पर हम ऐसे आ जाएंगे, या तो हमने क्या करना है कि डायरेक्ट 5 दबाएंगे आ जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद हम देखेंगे कि हमारी सारी फाइलें खुल जाती हैं। जब हमारी सारी फाइलें खुल जाती हैं तो हम वही प्रक्रिया करते हैं, F3 दो बार दबाएंगे, सबसे पहले लास्ट में जो कराएंगे वो सबसे पहले आएगा, जो सेकंड नंबर पर कराए रहेंगे वो उसके नीचे आएगा। तो हमने इसकी फ्रंट को F हमने करा लिया था पहले, F फ्रंट हमने करा लिया था, तो हमने क्या करना फ्रंट पे आना, इसकी कॉपी उसके बैक में डालना। तो हम यहाँ से फ्रंट पे आने के बाद इसको ओके करेंगे, इसको ओके करने के बाद हमें 1 नंबर से यहाँ 2 नंबर पे आ गए, 2 नंबर पे आ गए, इसके बाद फिर हम F3 दोबारा दबाएंगे तो हमारी ये बैक सबसे ऊपर आ गई। तो हम यहाँ से फिर एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद ये यहाँ से एक एंटर कर दिए तो यहाँ हमें दे दिया, यहाँ एक्शन मोड में हो गया, यानी कि ये एक्शन मोड में है। तो अब हमने इंटर दोबारा करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा, तो अप्लाई हो गया और फिनिश भी हो गया, तो हम बाहर आ जाते हैं इस बटन से, हम इस से बाहर आ जाते हैं, ESC एग्जिट से हम बाहर हो जाते हैं। तो अब बाहर आने के बाद हमारा सारा, सबसे पहले देख लेते हैं नंबर, तो नंबर यहाँ पर सारे लग गए हैं, आप लोगों को
लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसलिए प्रॉब्लम होगी दोस्तों कि मेरे पास ना स्टैंड है ना ही मैं वो लाइट बंद कर सकता हूँ। तो यहाँ से आप लोग थोड़ा मेरी बात समझिए और यहाँ पर देखिए, और एक बार नहीं तो दो बार देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया कि सारा कुछ हो गया। अब हम डायरेक्ट आ जाएंगे नेडिल पोज, यहाँ से देख लेंगे बाहर से ही। तो ये भी हमारा हो गया। अब हमने देखना फिटर, तो फिटर हम 9 नंबर दबा के देख लेते हैं। तो हमने जो लगाया था हमें याद है, हमें याद हमने क्या लगाया था। तो हमने यहाँ पर लगाया था 5 नंबर, तो हम यहाँ 5 नंबर एंटर करके कर लिए। 2-3 वहीं पर लगा हुआ था। और एक चीज़ हमने की थी कि कटाई नहीं चलाया था, कटाई की जगह पर हमने क्या किया था कि यहाँ से F1 दबाएंगे तो ये ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पर वेटिंग यार्न लगा दिए थे, तो यहाँ पर हम वेटिंग यार्न दोबारा से लगा लेते हैं। तो ये वेटिंग यार्न हमने लगा लिया, लगाने के बाद हमारी अब चीज़ चलने को रेडी हो गई। हमें कुछ नहीं करना, हमारी समझिए फाइल बनी थी, हम उसी फाइल का कॉपी पेस्ट जैसे कराते हैं। ये देखिए ये जा रही है, अभी हो जाएगी ये रिसेट। यहाँ नोटिस रिसेटिंग की आ गई है। अब रिसेटिंग होने के बाद ये चलना शुरू हो जाएगी और यही वाला फिटर उठाएगी जो 3 नंबर है, ये वाला फिटर उठाएगी। तो दोस्तों चलिए देखिए, अपने हम इसको ये होता है, इसे ऐसे करेंगे तो वहाँ मशीन रुक जाएगी और आपको दिखाते हैं हम। और क्या करेंगे, ऐसे करेंगे तो वहाँ मशीन चल पड़ेगी। तो ये चल पड़ी है और हम बैग निकाल रहे हैं, फ्रंट हमारी बन चुकी है। तो देखिए यहाँ से देखिए ये प्रॉपर नेटिंग करा रही है। और दोबारा ये तो पहली नेटिंग, ये दूसरी लाइन लेके आ रही है, दूसरी लाइन लेके आ रही है। तो कुछ ऐसे दिख रहा है, इसी तरह हम आप लोगों को बना के दिखा देते हैं। अब हमने क्या करना है कि जब फ्रंट लगाए थे तो यहाँ पर सुइयों का जो बेड था वो ज़्यादा था, तो इतना अब बेड हमारा रह गया है, इतना यहाँ से लेके यहाँ तक ये रह गया। तो इसको हम क्या करेंगे, पत्ती आती है, पत्ती से, या तो अब तो ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया इस करके हम हाथों से खींच देते हैं और इसका पैर उतार देते हैं, इसको पैर उतारना कहते हैं। तो ये पैर हम उतार दिए। अब इसके बाद अभी चले, अब यहाँ चले कि हमें बनाना है। तो अब हमें जैसे यहाँ पर 2 बनाना है, यहाँ पर सेट नंबर में हमने ये देखिए सेट नंबर लिखा हुआ है, सेट नंबर में हम जाएंगे। सेट नंबर में जाने के लिए कैसे बढ़ते ये भी हम आप लोगों को जानकारी में बता देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ये देखिए ये प्लस और माइनस, इसको जब ओके से प्रेस कर लेंगे, इसको ऐसे प्रेस करने के बाद हम देखेंगे वहाँ पर, देखिए नंबर जैसा हमारा कुछ खुल गया, वहाँ पर पीला पीला सा आ गया। तो हम उसको यहाँ पर क्या करेंगे, हमें सेट नंबर में 2 भरना है, तो हमने यहाँ 2 भर दिया। 2 भरने के बाद हम क्या करेंगे, एंटर कर देंगे तो 2 भर जाएगा। सेट नंबर जितना भरेंगे उतना यहाँ नंबर बना के ये मशीन रुक जाएगी। जब मशीन रुकेगी तो उसको अपना एक अलार्म देती और लिख के डिस्प्ले पे यहाँ लिख के दे देती है। तो जैसे अब हम आपको दिखा देते हैं, वो दिखता कहाँ से है, कुछ ऐसा दिखेगा जैसा कि यहाँ 2 नंबर पर ये देखिए मल्टी पीस स्टॉक अभी हुआ था ना, 2 पीस बनाते, तो उसी तरह वो भी हो जाएगी। जो रीसेट रूटिंग दिया था, जो हमने रीसेट कराया था मशीन, वो थी। तो चलिए दोस्तों हमारी मशीन उधर देखिए, ये बोलने लग गई, अब चलते हैं उसको चलाते हैं, देखते हैं क्या हुआ है। तो यहाँ पर धागा ख़त्म हुआ है, अब हम चलते हैं धागा ले आने। ये देखिए यहाँ पर धागा ख़त्म हो गया, ये वाला। तो बाहर जा रहे हैं हम धागा लेने, और बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी, टेम्परेचर इस समय मेरे ख्याल से 35-40 के आसपास में होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो चलते हैं टॉप फ्लोर पर धागा रिवाइंड हो रहा है। अरे यार मेरा बाल खराब हो गया, तेरा तो सही है। बोलो ये बता, सबसे पहले ये बता गर्मी है कि नहीं। 2-3 दिन से गर्मी है और बारिश होने की संभावना भी है। बारिश होगा, हो सकता है अगर उस बार लेता हूँ तेरे को बाहर जाके, देख बारिश हो रही है। बंद होगा ठीक है। तो तिवारी भी करते हाल चाल है, तिवारी घर वाले को वहाँ पर यार ये बंदा इतना कमीना है ना, मैं पूछा तिवारी जी की क्या हाल चाल है, तो कह रहा तिवारी जी के सही बोला ना, तू सही बोलना, यही बोला कि कुछ और बोला है, यही बोला, बोलो मैं सही बोला, यही बोला तू ना। देख लो तिवारी जी, निगाहें कहीं और, निशाना कहीं और, और खिलाओ इसको दही ले आके, दही के साथ परोठा ले आओ, फिर बताता है।
बस सारी बात छोड़, पैसे मिलेंगे आज? बाबू तो है नहीं, मिलेंगे, टेंशन जरूर है, पैसे मिल जाएंगे। पहले काम उनको कर ले, नाप चेक कर ले, इसके बाद तेरे को पैसा मिलेगा। चल कोई बात नहीं है, अभी तूने तो अपनी इधर सफाई कर ली, सफाई मतलब वो नहीं, मतलब कहने का मतलब तूने अपना सेटिंग कर लिया। मैं भी अपनी सारा सेटिंग शूटिंग कर लिया हूँ और कंप्रेसर चला दिया हूँ और ऋषि भी लगभग कर ही लिया है। चलो सारे बंदे कर लिए हैं। अच्छा ये पता मेरे को अपने हाई स्पीड में मेरे को तो मान ले पता है, इन लोगों को बताएगा कि कैसे हम इसको कॉपी, वैसे तो कॉपी आ लो ऑटो ऑटोमेटिक ले लीजिए, वो लोगों को इसमें ऑटोमेटिक हो जाता है, इसमें तो ऑटोमेटिक हो जाता है। और हाई स्पीड में एक चीज़ बता दें, जो पैरामीटर इम्पोर्ट कराते हैं वो कहाँ से निकल के आता है वो दिखा सकता है? तो चलिए दोस्तों बने रहिए, मैं हाई स्पीड नई वर्जन की मशीन में दिखाता हूँ कि पैरा इंपोर्ट कहाँ से होता है और कैसे होता है, वो एक एक करके आप लोगों को दिखाता हूँ। किस चाहिए ना? क्या बैग किस चौड़ा चाहिए ना? बैग का इसका 22-28 चाहिए। बैग का 20-28 ना? हाँ 20-28 का भी, अगर 28.5 भी आ गया तो हो जाएगा। 20-29 ये आ जाएगा, ठीक है 20-29 चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने वाले हाल में, अपना भी कुछ काम कर लेते हैं थोड़ा बहुत, और बाकी तो है ही है, आप लोग देख ही रहे हैं। बाकी जैसा भी होगा इधर की मशीनें चली रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो देखिए हाल में 100 की 100 मशीन चल रही हैं और हमारे भी हाल में 6 की 6 मशीनें चल रही हैं। तो फिलहाल सबसे पहले चलते हैं हम अपने भी, इधर हम जो कंप्रेसर चलाए हैं उधर थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेते हैं, इसके बाद फिर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, अपना आगे का काम जो होगा करेंगे और आप लोगों को जो भी होगा बताएंगे। और हिमांशु क्या हो रहा है? वाह लगता है आज तेरे को 5 बज गया यार, 5 तो कब का ही बज गया है ना, 5:30 हो गया। चल तू सफाई कर ले, आज मैं यही देखने आया था कि तू सफाई करेगा, इसके बाद मैंने सफाई करनी है, ठीक है? हाँ इसीलिए आज मैंने कुछ बोला नहीं, मैं कहा चलो चलाया है तो चला ले, सफाई कर ले, इसके बाद जब मैं सफाई करूँगा, अगर मेरे बारी कोई छू दिया ना, मेरे बारी कोई छूआ तो बड़ी मार मारूँगा, मेरी मोबाइल गिर गई थी यार। हिमांशु बड़ा छोटा सा नज़र आ रहा है अरे यार, इसमें बहुत छोटा नज़र आ रहा है। क्या मिलेगा? टेंशन मत ले, मैं पर्ची बना के देता हूँ, टेंशन मत, चेक मिलेगा तेरे को, चेक चाहिए? चेक दे दूँ? पर किसी बैंक में भजेगा नहीं, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ। 0